अतिशय वेगाने विकसित होत असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या पावन नगरीत पंढरपूर समीप आम्ही घेऊन आलो आहोत एक सर्व सुविधांनी युक्त विठू माऊली नगर येथे भव्य प्लॉटिंग प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये, प्रशस्त रस्ते, प्रत्येक बाजूला डिमार्केशन, संपूर्ण साईडला कार कंपाऊंड, रस्त्याच्या बाजूला स्ट्रीट लाईटची सोय, संपूर्ण प्लॉटिंग मधील रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड, संपूर्ण प्लॉट धारकांना आवश्यक वीज कनेक्शनसाठी स्वतंत्र डीपीची सोय, या आणि अशा अनेक सुविधांसह युक्त विठू माऊली नगर मध्ये 1 ते 11 गुंठ्यांपर्यंतचे प्लॉट उपलब्ध। साईटचा पत्ता विठू माऊली नगर, MIT स्कूलच्या पाठीमागे पालखी जवळ, सातारा रोड, वाखरी तालुका, पंढरपूर। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रात गारपीट आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ठरवलेली आर्थिक मदत द्यावी आणि महाराष्ट्र सरकारद्वारे दिला जाणारा नुकसानग्रस्त भागाच्या भरपाईचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारावा अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज राज्यसभेत केली। श्री धनंजय भीमराव महाडिक, धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे महाराष्ट्र में 16 जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। सभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जलगाम, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ और गडचिरोली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा, 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है, उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर।